वेलकम बैक गाइज इन अनादर वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी का जो मंथली टेस्ट यानी कि मासिक टेस्ट है उसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट आंसर लिस्ट के साथ। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें सही विकल्प थे। तो पहला सही विकल्प का फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका आंसर है पंडित आलोपित दीन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है एक। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है रिक्त स्थान, उसमें जो फर्स्ट वाला का क्वेश्चन है, का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्री निर्गुण सा का। देन जो खा क्वेश्चन है, खा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीव। इसके साथ गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, जहाँ पर सत्य और असत्य टिक करने थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा का वाला वो सत्य है, देन खा भी सत्य है, यानी कि सारे के सारे आपके जो सत्य ट्रू एंड फॉल्स है सत्य है। ओके गाइस, देन क्वेश्चन नंबर फोर था एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है का वाला, उसका आंसर है बंसीधर ने धन को पैरों तले कुचल डाला। देन खा जो क्वेश्चन है, खा क्वेश्चन का आंसर है मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी जल अग्नि वायु व आकाश से हुआ है, जो कि पांच तत्वों से मिलकर हुआ है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ का जो आंसर है वो इस टाइप से है कबीरदास जी ने परमात्मा के सच्चे स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया है। उन्होंने माया रूपी जगत तथा स्वयं के अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के मध्य अंतर को भली भांति समझ लिया है। वह बाहरी एवं भौतिक दुनिया के मोह माया एवं अडंबरों पाखंडों से दूर परमात्मा की भक्ति में लीन हो चुके हैं। और जो भी आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, तो इस कारण उन्होंने, जिस कारण कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स जो इसका आंसर आप देख सकते हो, नमक का दरोगा की कहानी क्यों अच्छी लगी, क्योंकि कर्मठ था, ईमानदार, दृढ़ निश्चय, कर्तव्यपरायण व्यक्ति था बंसीधर। देन क्वेश्चन नंबर सेवन्थ जो है उसमें आपको प्रसंग संदर्भ प्रसंग लिखना था। तो यहाँ पर अगर हमें संदर्भ नहीं मिला है, आप संबंध जो संदर्भ है वो इजीली पाठ का नाम और रचयिता लिख के बना सकते हो। हम यहाँ पर सीधे आपको यहाँ पर प्रसंग देते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पाठ पुस्तक अरुण भाग एक संग्रह निर्मल परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। सो गाइस थोड़ी यहाँ पर जो आंसर इसमें मिसप्रिंट हुई है, थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर प्रसंग ना होकर संदर्भ है, और संदर्भ आपका प्रस्तुत पद से लेके कबीर के पदों में उद्धृत है यहाँ तक है। देन गाइस जो प्रसंग है वो प्रसंग इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर तीखा प्रहार किया, यहाँ तक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक प्रसंग है। ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक आपका संदर्भ है, देन यहाँ से यहाँ तक आपका प्रसंग है। ओके गाइस, फिर इसकी व्याख्या करनी चाहिए, तो व्याख्या आपके सामने पूरी की पूरी सॉलिड व्याख्या जो है वो आपके सामने है। आप बिना किसी झिझक के साथ इस व्याख्या को लिख सकते हो। देन गाइस जो व्याख्या के बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, उस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको कबीरदास की दो रचनाएँ लिखनी थी। तो दो रचनाएँ हैं शबद और शाकी। वह पक्ष आप देख सकते हो साहित्य में स्थान जो है वो भी आप पूरा लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से देख सकें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मोर वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके।